इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में ईरान समर्थित लेबनान का संगठन हिजबुल्ला भी लगातार बमबारी कर संघर्ष को बढ़ाने का काम कर रहा है। हिजबुल्ला की हालिया गतिविधियां युद्ध को भड़का रही हैं। हिजबुल्ला लड़ाके उत्तरी इसराइल पर रॉकेट से हमले कर युद्ध का नया मोर्चा खोले हुए हैं। फिलिस्तीनियों के समर्थन में हिजबुल्ला लड़ाके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर इसराइल को युद्ध भूमि में उतरने के लिए ललकार रहे हैं। ऐसे में हमास से जंग में जूझ रही इजरायली सेना को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच लेबनानी प्रतिरोध हिजबुल्ला ने शुक्रवार तड़के दावा किया कि उसके लड़ाकों ने अल मलिकिया साइट पर तोपों और रॉकेट से इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हिजबुल्ला लड़ाकों ने सीधा हमला बोलते हुए लक्ष्य को भेदा है, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला लड़ाकों ने इजरायली कब्जे वाली मेटुला साइट के एंट्री पॉइंट पर एक इजरायली सैन्य वाहन को मिसाइल से निशाना बनाकर नेस्तोनाबूद करने का दावा किया है। बताया जाता है कि हमले में चालक दल के लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें हिजबुल्ला लड़ाके टारगेट को सेट कर सीधा हमला बोलते हैं। दावा किया जाता है कि बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स एक घर में तैनात थी। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने घर पर भी निशाना साधते हुए हमला बोला। आईडीएफ के साथ रोजाना होने वाली झड़पों के बीच हिजबुल्ला ने बड़ी संख्या में अपने लड़ाके तैनात किए हैं, जिसके जरिए वो घात लगाकर इजरायली बलों पर हमलावर हैं। इजरायली सैन्य बलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्ला अपने पास मौजूद लेटेस्ट तकनीक से सटीक निशाना साधकर इजरायल को बड़ा झटका दे रहा है। हिजबुल्ला अपने हमलों के वीडियो जारी कर इजरायल पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि हिजबुल्ला के हमलों की इजरायली मीडिया और सैन्य अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है। हिजबुल्ला ने बताया कि उसके लड़ाकों ने कब्जे वाले लेबनानी कफर चौबा हिल्स में रुसत अल आलम साइट पर तोपों से हमला बोला। वहीं रॉकेट और तोपों से कब्जे वाले लेबनानी शीबा फार्म्स में रुसत अल कर्न साइट पर भी निशाना साधा। लड़ाकों ने रेनोवेटेड लेमन बटालियन हेडक्वार्टर्स पर भी गोलों से बमबारी की है। वहीं हिजबुल्ला फाइटर्स ने जल अल अलम साइट पर इजरायली सैनिकों की चौकियों पर कब्जा जमाया है। इसराइल पर अब हिजबुल्ला की ओर से हमले तेज होते जा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर दोनों ओर इजरायली सेना और हिजबुल्ला की एक्टिविटी काफी बढ़ी है। बीते दिन भी हिजबुल्ला लड़ाकों की ओर से इजरायली सीमा पर कई मिसाइल और रॉकेट हमले किए गए। हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि लेबनान का ये ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों और उनके बहादुर प्रतिरोध के समर्थन में है। मालूम हो कि बीते दिन ही हिजबुल्ला लड़ाकों ने इजरायली बलों और उनके सैन्य वाहनों के खिलाफ 5 सफल ऑपरेशन चलाने का दावा किया था।